सहरसा जिले के मेसी विधानसभा क्षेत्र के मनोवर पंचायत के मनोवर झमटा जले गांव बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहां ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। जिला प्रशासन की व्यवस्था कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। ग्रामीणों के कहने पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और मेहसी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंदन कुमार साह बागची बाढ़ में फंसे लोगों का हालचाल जानने पहुँचे। आइए जानते हैं बाढ़ दौरा कार्यक्रम में क्या कहे चंदन साह बागची ने। सहरसा जिला का ये मनोवर गांव है, यहाँ पे कोसी से लोग पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं। लोग मजबूर हैं गंदे पानी पीने के लिए। चापाकल पानी में विलीन हो चुके हैं। जिला प्रशासन यहाँ पे किसी का भी सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता चंदन बागची और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, समाज से भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, जो इस बार जो आप यहाँ पे आए हैं तो क्या देखा आपने? जी चंदन जी, आपने यहाँ पे जो आए हैं, हर एक बार आप घूमते हैं और लोगों का दुख दर्द जानते हैं, तो क्या देखा आपने, किस क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, प्रत्येक बार ही नहीं, हर सुख दुख में, चुनाव यहाँ से मैं लड़ा था 15 में, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, और विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया तो ये मेरा ड्यूटी है कि सरकार के द्वारा क्या काम हो रहा है, लोगों को बाढ़ सुखाड़ बरसात में क्या तकलीफ होती है, उस तकलीफ़ को जानना और उसको लेकर सरकार से लड़ना और उस हक को जनता के बीच दिलाना। मनोवर गांव है, झमटा गांव है, मनोवर पंचायत का, बाढ़ में पूर्ण रूप से डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग जो चापाकल से पानी पीता है, वह चापाकल डूब चुका है, और चापाकल डूब चुका है, लोग को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। लोग पलायन करके गांव से, घर से निकल के कमला बलान के बांध पर जाके बस रहा है। लोग परेशान है, लेकिन सरकार की ओर से कोई शुद्धि लेने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि लोग पानी में, मुख्य जो सड़क है यहाँ आने का, इस गांव से आने जाने का, उस सड़क पर छाती भर पानी है, और उस पानी में लोग तैर कर आ रहा है, जा रहा है। इससे बड़ा त्रासदी कुछ नहीं है। मैं इस इलाके का बेटा हूँ, मेरा घर इसी इलाके और बाढ़ पीड़ित में है, मेरा गांव बगल में है और वो भी डूबा हुआ है, और हम इस इलाके का बेटा है। इस कोसी का और बाढ़ का दर्द हमें है। जिस दिन ताकत लोगों ने दिया इस इलाके का, उस दिन निश्चित रूप से इस बाढ़ के अस्थाई निदान का समाधान करेंगे, अस्थाई निदान करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े।